पहली किस्त फरवरी 2019, दूसरी अप्रैल 2019, तीसरी अगस्त 2019, चौथी जनवरी 2020, पांचवी अप्रैल 2020, छठी अगस्त 2020 और सातवीं दिसंबर 2020। ये आपकी जेब से जाने वाले किसी होम लोन या पर्सनल लोन की किस्त की टाइमलाइन नहीं है, बल्कि देश के किसान की मजबूती की टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। ये ऐसी टाइमलाइन है जिसके 2 साल पूरे हो गए हैं, और ये ऐसी टाइमलाइन है जो जब तक चलती रहेगी, जब तक देश में पीएम मोदी की सरकार है। हर साल 6,000 रुपये इसी तरह जरूरत के वक्त हमारे गरीब किसान की ताकत बनते रहेंगे। इस योजना से अब तक देश के 11.13 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुके हैं। ये राशि कितनी है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा जितने के कर्ज माफी के सपने आपके वोट के बदले आपको दिखाए जाते हैं। मोदी सरकार हर साल 2,000 रुपये की 3 किस्तें किसानों के खाते में भेजती है, ताकि वे जरूरत के वक्त अपने खेतों के लिए खाद और बीज खरीद सकें, कुछ कृषि उपकरण ला सकें। पैसा सीधे खातों में जाता है, इसलिए बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कमीशन या कट नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश इस योजना का लाभ लेने में नंबर 1 है, तो वहीं सियासत और परहेज की नीति की वजह से पश्चिम बंगाल के किसानों को वहां की राज्य सरकार ने इतनी बड़ी सहायता से दूर रखा है। पीएम मोदी का एक ही सपना है, देश का किसान ताकतवर हो, देश का किसान व्यापार के लिए स्वतंत्र हो, देश के किसान की आय दोगुनी हो और देश का किसान आत्मनिर्भर हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसी सपने को पूरा कर रही है।